द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलवेश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत पेश किया तो इस पर 2 घंटे से ज्यादा चर्चा भी हुई। इसके बाद सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हरियाणा की खट्टर सरकार में डिप्टी CM रहे और BJP की पुरानी सहयोगी जननायक जनता पार्टी का रुख बेहद दिलचस्प रहा। दुष्यंत चौटाला की JJP ने अपने सभी विधायकों को गैर हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया, लेकिन उनकी पार्टी के 3 विधायक विधानसभा में पहुंच गए। दुष्यंत चौटाला ने BJP से भले गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी और BJP में पर्दे के पीछे गठजोड़ बना हुआ है। अभी तक विश्वास मत के दौरान विपक्ष अपने विधानसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने और सरकार के खिलाफ वोट देने का व्हिप जारी करता रहा है, मगर हरियाणा में JJP ने नई परंपरा गढ़ दी है। सैनी सरकार को बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए थे। BJP के पास ये आंकड़ा 41 का है। उसने निर्दलियों के सहारे बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। विधानसभा में कांग्रेस और BJP के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू होने के बाद विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने CAA को लेकर BJP पर पहली बार बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि CAA के बाद बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी, इसमें 1947 जैसी स्थिति बन सकती है। केजरीवाल ने कहा BJP सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसे देश की दूसरी समस्याओं से लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने उन्हें करारा जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा केजरीवाल और विपक्षी दल CAA के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश में लगे हैं। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को CAA की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CA की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोज़गारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय CA की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि CA के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी? नए नियम से या फिर पुराने नियमों से? अब इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होने चाहिए। पहले इसी नियम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, लेकिन पिछले साल ये नियम बदल दिया गया। CEC एक्ट 2023 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले हफ्ते अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया। इसके बाद अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस ने युवाओं पर दांव लगाया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से ही, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट में करीब 77 उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन पर पिछले चुनाव के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चुरू से ही टिकट दिया गया है। भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार वैभव ने जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तकनीक के क्षेत्र में भारत ने आज फिर पूरी दुनिया को ताकत दिखा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के जरिए 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। गुजरात के धोलेरा और सांणंद और असम के मोरी गांव में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर्स का मुख्य केंद्र बनने के भारत के प्रयासों में ये विशेष दिन है। कार्यक्रम में कई संस्थानों के 60,000 से ज्यादा छात्र ऑनलाइन तरीके से जुड़े रहे। द श्रेष्ठ भारत शो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।